जैसे आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये जो कवर है इसके अंदर जाएगा। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम हमारी मेहनत की कमाई लगा के नई मोटरसाइकिल ले लेते हैं, लेकिन हमें चाहिए ये होता है कि जैसे हमारी नई मोटरसाइकिल होती है परचेस करने के बाद, वैसी मोटरसाइकिल हमें सालों साल रहनी हुई चाहिए होती है। सालों साल उसका कलर या फिर पार्ट्स है वो नए जैसे रहने चाहिए होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल की कंपनियाँ होती है वो भी बोलती है कि हमारी जो मोटरसाइकिल है उसका कलर है या फिर अदर्स पार्ट्स है उन्हें हमें डायरेक्ट सनलाइट से, तेज़ धूप से या फिर रेन से बचा कर रखना होता है। तो इसके लिए हम पार्किंग कवर ले भी लेते हैं, लेकिन पार्किंग कवर जो है वो हर जगह कैरी नहीं कर पाते। पार्किंग कवर हम घर में तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जिधर हम ऑफिस में जाते हैं या फिर अदर जगह हम हमारी मोटरसाइकिल पार्क करते हैं वहाँ तक हमें मोटरसाइकिल का कवर कैरी करके ले जाना होता है, और वो कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए क्या है, घर में तो पार्किंग कवर के अंदर रखते हैं गाड़ी, और बाकी जगह हम ऐसे डायरेक्ट एक सनलाइट में या फिर बारिश में गाड़ी रख देते हैं। इससे हमारी गाड़ी का कलर डल हो जाता है और अदर पार्ट रस्ट पकड़ लेते हैं। तो बहुत सी सिटीज़ में भी क्या होता है, जो हमारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं उसमें हम ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, और हम जब भी गाड़ी ले आते हैं, मतलब मोटरसाइकिल ले आते हैं, तो हमें क्या है ऊपर के फ्लोर पर हमारे रूम में जाना पड़ता है, कवर ले आना पड़ता है, और गाड़ी को लगाने के बाद फिर जाना पड़ता है। ऐसे 2-3 राउंड मारने पड़ते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं कवर ही नहीं लगाते, ऐसे ही गाड़ी रख देते हैं, और इससे हमारी जो मोटरसाइकिल है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ जो आपकी ये सारी परेशानी है वो दूर कर देगा, और आपकी जो बाइक है उसको बिल्कुल नहीं जैसा रखेगा, धूप से और रेन से वगैरह बचा के। ये जो डिवाइस है ये ब्लैक ब्लेजर नाम से डिवाइस आता है, और ये सेमी ऑटोमेटिक टू व्हीलर का कवर है। ये आपकी कौन सी भी मोटरसाइकिल में इजीली फिट हो जाएगा, और इसको साइटन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है, और उनके पास इसका पेटेंट भी है, और ये प्योर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको ये मेन डिवाइस मिल जाता है, ये देखो। तो ये जो मेन डिवाइस है ये प्लास्टिक का डिवाइस आता है, और इसके अंदर जो कवर आता है ये जो कुछ नायलॉन जैसा इसका फैब्रिक है, और ये देखो इधर आपको नीचे एक होल मिलेगा, ये होल पानी जाने के लिए है, क्योंकि बारिश में वगैरह कवर गीला होता है या फिर इसके अंदर पानी जाता है ना, तो ये पानी ड्रेन होने के लिए ये होल है। तो ये होल आपको जो गाड़ी का हमारे साड़ी गार्ड है उस पर ऐसे रखना है, जो होल है ड्रेन होल वो नीचे की तरफ रखना है, और ये लगाने के बाद पीछे से ये पट्टी है ये लगा देनी है, उसके ऊपर वॉशर लगा देना है, उसके ऊपर ये 8 नंबर का नट आएगा, और उसके ऊपर और एक 8 नंबर का नट आएगा लॉक होने के लिए, मतलब वाइब्रेशन से नट निकले ना इसके लिए। इतना इसका इजी इसका इंस्टॉलेशन है। तो 2 मिनट के अंदर इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो गई है, और इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह इसका लुक दिखता है। छोटा सा डिवाइस है, ज़्यादा जो आपके बाइक की जगह है वो कवर नहीं करता, छोटी सी जगह में बैठ जाता है, और इसके बाद जो पीछे बैठने वाला है उसको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती। ये देखो ये इस तरह उसका पैर फुटरेस्ट पे रह जाता है, कोई लेडीज़ है तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये देखो इस तरह ये पीछे डिवाइस लग जाता है, और आपकी मोटरसाइकिल की सेफ्टी भी बढ़ाता है ये, क्योंकि इसके ऊपर जो रिफ्लेक्टर लगा होता है वो रात में इजीली दिख जाता है, इसकी विजिबिलिटी बढ़ा देता है। बाइक जहाँ जाएगी वहाँ पे आपके बाइक का कवर उसके साथ होगा, और 1 मिनट में आप इसको बाइक को ये कवर कर सकते हैं। तो कवर करने के लिए ये जो कवर है ये आपको सीधा इसे खींचना है, ये देखो ये खींचने के बाद आपको ऊपर से चालू करना है, ऊपर से मतलब आगे से आपको ये लगा देना है। ये देखो ये 2 मिरर की डिज़ाइन है, इसको सबसे पहले मिरर में लगा दो तो कवर करने में आपको इजी होगा। ये देखो, और अब इसको पीछे लगा लेना है, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको ये कवर करने में। ये देखो ये प्रॉपरली एकदम बैठ जाता है, और ये पल्सर में भी नहीं, ये आपके किसी भी कंपनी की कोई भी मोटरसाइकिल हो उसमें ये एकदम प्रॉपर फिट हो जाएगा। हमारी मोटरसाइकिल है ये पूरी तरह कवर हो गई, ये देखो ये आप देख सकते हो, और देखने के बाद कोई बोलेगा नहीं कि ये पल्सर है या अदर मोटरसाइकिल है, पूरे जो पार्ट्स है कलर के वगैरह वो पूरे इस कवर में कवर हो गई। तो अब इस पर हम पानी डाल के देखते हैं ये जो है कवर ये क्या पानी को रोक पाएगा, या पानी हमारे जो मोटरसाइकिल है अंदर उसके तक जाएगा, उसके कलर तक जाएगा, उसके पार्ट तक जाएगा, ये देखते। तो मैं इस पर अभी पानी मारता हूँ,
ये देखो, ये पानी इस कवर के ऊपर बिल्कुल भी रह नहीं रहा है। अब हम कवर थोड़ी देर बाद निकाल के देखते हैं इसके अंदर पानी गया है या ऊपर से ड्रेन हो गया है। जो कवर है, जितना डिवाइस से ओपन करना आसान है, उतना ही उसका डिवाइस में अंदर डालना भी एकदम ईजी है। तो ये कवर मैं निकाल देता हूँ अब। ये देखो, मैंने कवर निकाल दिया और गाड़ी का कलर आप देख पाओगे तो उसमें ज़रा भी पानी नहीं लगा है। ये जो लगा है ये ऊपर का गिरा है, लेकिन इधर आप देखोगे तो ज़रा भी पानी इस पर नहीं लगा है। ये मीटर वगैरह आप देख सकते हो, इधर पानी नहीं लगा है। तो ये कवर आपको निकालना है और ऐसा एक लाइन में रखना है। ये देखो, और ये जो हैंडल दिया है ये आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये जो कवर है इसके अंदर जाएगा। ये देखो, कुछ इस तरह। और कवर गीला है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गीला कवर का जो पानी है ये ड्रेन जो होल है नीचे से नीचे उससे निकल जाएगा और जो आपका कवर है वो सूख जाएगा। इस तरह आपको रखना है। ये देखो, एक मिनट के अंदर ये कवर अंदर चला है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये जो डिवाइस है ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है और बहुत यूज़फुल है। तो ये डिवाइस की क्वालिटी की बात करूँ तो डिवाइस की जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है और अंदर की जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है एकदम सॉफ्ट फैब्रिक है, वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक है और एकदम थिन है। तो इसलिए क्या, इसको कैरी करने में ज़्यादा जगह नहीं लगता, ज़्यादा वज़न नहीं इसका। और बहुत से सस्ते वाले कवर भी मिल जाते हैं मार्केट में 200-300 रुपए में। वो क्या, वो जो उसका फैब्रिक होता है वो बहुत रफ होता है, उससे क्या है बहुत सी बार हमारी मोटरसाइकिल के ऊपर उससे स्क्रैचेस आ जाते हैं। लेकिन ये जो फैब्रिक है ये एकदम स्मूथ है, इससे आपकी मोटरसाइकिल को कोई नुकसान नहीं होगा। और आप सोचेंगे ये जो फैब्रिक है ये थोड़ी दिन बाद ख़राब हो जाएगा, तो एक दो साल बाद अगर ये ख़राब हो गया तो सिर्फ फैब्रिक इसका आप परचेस कर सकते हो कंपनी की वेबसाइट से, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये जो फैब्रिक है ये सस्ते में मिल जाता है, जैसे हम पेन रिफिल करते हैं उसी तरह ये जो डिवाइस है ये आप रिफिल कर सकते हो। तो ये जो डिवाइस है इसकी MRP 1250 रुपये है, अमेज़ोन पे ये 1250 रुपये में मिल जाता है। लेकिन मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है कंपनी की, वहाँ आपको 800-900 रुपये में मिल जाएगा। और हमारी जो मास्टरमाइंड टेक फैमिली है उसके लिए कूपन कोड भी दिया हुआ है, वो कूपन कोड आप यूज़ करोगे तो आपको उस पर और डिस्काउंट मिलेगा और आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप नए हो, आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में जो जो वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले आ जाएगा। तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।